वो उसमें क्या क्या ट्रिक थी हमारी? नहीं तो कर दे, नहीं नहीं फिर बोलेंगे, तो जब तू बोलेगा फिर बोलूंगा, ठीक है? तब तो हरकत करेगा, उससे पहले नहीं, ठीक है? हाँ बता। बीएसपी नहीं, वो बेसिस को याद करने की ट्रिक क्या थी? इसका मतलब ग्वानिन, फिर साइटोसिन, थायमिन, फिर दो एटी, क्या था वो? डीएनए में लगने वाले तीसरी सामग्री का नाम है फॉस्फेट, आई मीन यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड आएगा। रिलीज करने को ये ओएच भी रिलीज कर सकता है, लेकिन उसके बाद ये फॉस्फोरस, ये जो पूरा कंपाउंड है, ये स्टेबल ही नहीं हो पाता है। लेकिन अगर एच प्लस रिलीज कर देता है, चार्ज क्या आ गया? माइनस, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से माइनस चार्ज, यानी ये रेजोनेंस से फिर स्टेबल हो जाता है। तो OH भी रिलीज कर सकता है, लेकिन OH के बाद स्टेबल नहीं हो पाता बेचारा, इसीलिए OH ने क्या छोड़ देता है? ये तुम्हारे आई थिंक डी ब्लॉक में आएगा, सॉरी पी ब्लॉक में आएगा ये, आधा तुम तब यही बोलते, वो तुम्हें माना मिल गया। रेजोनेंस क्या होता है? एक मिनट रुक, बेंजीन के दो स्ट्रक्चर हैं, एक ये वाला, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा एक्यूरेट होता है स्टडी का रीजन? अगर मैं रेजोनेंस कहता हूं तो रेजोनेंस का मतलब, जैसे मान के चल ये कंपाउंड ए, यही चीज बी में भी एग्जिस्ट करती होगी ना, मान ले इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती होगी, हाँ के ना? तो हमने फिर ये बी वाला स्ट्रक्चर बनाया क्यों, जब हमें ए और बी हमें पता ऑलरेडी कि ऐसा हो सकता है? तो सर्कल यहाँ पे क्या शो कर रहा है? अंदर सर्कल डॉटेड, और वाई डॉटेड, वाई नॉट कंप्लीट सर्कल? तेरा ठीक है कॉन्सेप्ट में, लेकिन मैंने बुक को छत्ता ठीक है तेरा, डॉटेड क्यों? क्योंकि चेंज कर रहा है, कन्फाइंड है नहीं, बट ठीक है, एटलीस्ट एक चीज़ के चीज का ठीक था कॉन्सेप्ट। हाँ भाई, ये रहा हमारा फॉस्फोरिक एसिड, लेट सपोज अगर तीन एच प्लस का लॉस कर देगा एक एक ओक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तीन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी ओ फोर थ्री माइनस, ये क्या है? एच थ्री ओ फोर। केमिस्ट्री साफ साफ चिल्लाती है, किसी भी मतलब मॉलिक्यूल के एंड में अगर माइनस चार्ज आ जाए तो उसके नाम में एट लगाना होता है। जैसे यहाँ पे आप लगाओगे फॉस्फेट, एट का मतलब क्या है? माइनस चार्ज, सुना? सल्फेट माइनस चार्ज, नाइट्रेट माइनस चार्ज, कभी भी एट आ जाए मतलब माइनस चार्ज। तो ये फॉस्फोरस इट्स फॉस्फेट, यानी फॉस्फोरिक एसिड, डीएनए में आता फॉस्फोरिक एसिड है, लेकिन जब वो एच प्लस को लॉस कर देता है तो उसके बाद वो नेगेटिव चार्ज भी कैरी करता है, यानी डीएनए में दो चीज़ें हैं, डीएनए में नेगेटिव चार्ज एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डीएनए एसिडिक बिहेवियर शो करता है किस कारण, तो क्या दोगे आंसर? फॉस्फोरिक एसिड। अगर पूछे डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, रीजन क्या दोगे? फॉस्फेट। लेकिन बीड़ू एक मजे की बात सुनना, डीएनए में फॉस्फेट एंड फॉस्फोरिक एसिड कोई एक ही चीज रहेगी एक टाइम पे? अगर फॉस्फेट रहेगा तो एसिडिक नेचर कहाँ से आएगा, और फॉस्फोरिक रहेगा तो फॉस्फेट कहाँ से आएगा, ना कोई एक रहेगा। तो हम नेचर में दोनों कैसे लिख सकते हैं, फॉस्फेट एंड फॉस मतलब एसिडिक? डीएनए दोनों नेचर कैसे शो कर सकता है सेम टाइम पे, नेगेटिव चार्ज एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, कि दोनों में से कोई एक ही चीज़ एग्जिस्ट करेगी, या तो ये वाली फॉर्म, अगर ये कन्वर्ट होगी उस वाले में तो वो वाली फॉर्म। इसका जवाब मिलेगा आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में, कि डीएनए में नेगेटिव चार्ज एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर सेम टाइम पे आता कैसे, ठीक है? बट क्या रखना, डीएनए पे दोनों बिहेवियर, कौन कौन सा? माइनस चार्ज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फॉस्फेट्स एंड
एंड एसिडिक बिहेवियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अब डीएनए में तीन चीज़ें हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। उसके पास शुगर कौन से मिलता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। एंड उसके पास फॉस्फेट किससे मिलता है? फॉस्फोरिक एसिड से। एंड नाइट्रोजन बेस में दो टाइप आते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन का नाम छोटा है तो पायरिमिडिन का नाम बड़ा तो साइज छोटा है। प्यूरिन में कौन कौन सा आएगा? एजी, एडेनिन, ग्वानिन। एंड पायरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन। एंड पेयरिंग में एजी मतलब सॉरी दो आए थे, दो एटी में यानी दो बॉन्ड ए और टी में, एंड तीन बॉन्ड सी एंड जी में। एंड देखो एक बेसिक सी बात है कि अगर जी की पेयरिंग सी से हो रही है तो सी की पेयरिंग जी से होगी, है ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर आलिया की शादी रणवीर से होगी तो रणवीर की शादी प्रियंका से होगी? संभव ही नहीं है, सेम चलेगा ना। ऐसे अगर इसकी पेयरिंग उससे तो उसकी पेयरिंग इसके साथ चलेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है कि सी की पेयरिंग जी के साथ, अब मैंने बोला जी की पेयरिंग किसके साथ, बच्चा सोच रहा है ये तो सर आपने बताया नहीं। अब है सी की पेयरिंग जी, तो जी की पेयरिंग सी, पे आपको बिल्कुल सी डी बनती दिखेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपको सिर्फ इतना पोर्शन यहाँ से कट करके आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ, जिसमें से मैं आपको इमेजिन करो मैं आपको सिर्फ ये हाफ पोर्शन दिखा रहा हूँ, हाफ वाला, इसके अदर हाफ को अभी मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो होता क्या है कि शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में हम रखेंगे दो शुगर के बीच रखेंगे फॉस्फोरिक एसिड। अब इसके पास तीन OH, एक दो तीन, है ना। अब होता क्या है, जो नीचे वाला शुगर प्रेजेंट है इसका जो पांचवे कार्बन का जो OH है वो फॉस्फोरिक एसिड के OH के साथ रिएक्शन करने लग जाएगा। और जब भी दो OH नियर बाय आते हैं वाटर का लॉस कन्फर्म होता है। एंड वाटर के लॉस की वजह से देखो OH और OH में से जब H2O निकलेगा तो वाटर के लॉस की वजह से अब सिर्फ बचेगा एक ऑक्सीजन, हाँ कि ना। यही एक सिंगल ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और अल्टीमेटली फॉस्फोरस को जोड़ देगा, किसके साथ? शुगर के साथ जोड़ देगा। और जो ये बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एस्टर बॉन्ड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही एक रिएक्शन ऊपर भी तो हो रही है ऊपर, लेकिन देखो नीचे नीचे जो है इस फॉस्फोरस ने नीचे वाले शुगर के पांचवे कार्बन के OH का यूज़ किया है, लेकिन ऊपर वाले शुगर के वो तीसरे कार्बन का OH का यूज़ करेगा, पांचवे का वो यूज़ ही नहीं कर सकता। अब थर्ड कार्बन का OH आता है, इसका OH अगेन वाटर का लॉस होगा, अगेन वाटर के लॉस की वजह से एक बॉन्ड क्रिएट होगा। तो अब देखो ये जो बॉन्ड है अगेन क्या हुआ, दिस इज फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। सो दिस इज फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। देखो इसको वैसे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं, बट क्योंकि दो बॉन्ड बनते हैं फॉस्फेट के अराउंड, दो बॉन्ड बनते हैं एक यहाँ और एक यहाँ, तो दो बन रहे बॉन्ड, तभी इसको क्या बोलते हैं, तभी इसको हम बोलते हैं फॉस्फो, फिर लगाते हैं डाई, डाई मीन्स दो, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, इसलिए इसको कहते हैं, डाई मीन्स दो के लिए आता है। तो इसीलिए आप एस्टर नहीं या फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड दिखाओगे। अब आप ये सोचना कि ये वाला शुगर हंस रहा है, कह रहा देख तूने मेरे थर्ड कार्बन का OH तो यूज़ कर लिया लेकिन मेरे पांचवे कार्बन का OH तो बच गया, है ना। और नीचे हंस रहा है कि इसने मेरा पांचवे कार्बन का OH खा लिया लेकिन मेरा थर्ड कार्बन का OH तो बच रहा है। और ये हंस रहा है फॉस्फोरस से कि तेरे बस की है ना, तेरे पूरे खानदान में अगर दम है तो मेरे दोनों कार्बन को ख़त्म करके दिखा दे। तो फॉस्फोरस रुक जा, भी आ रहे हैं, अबू आ रहे हैं, थ्री डबल बॉन्ड ओ OH 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 खा गया OH इसको, कह रहा देख खा गया, कह रहा रुक जा भी एक और शुगर आंदे नीचे, जब एक शुगर नीचे और आएगा तो मुझे बताइए पांचवा तो बिजी हो जाएगा, इसका थर्ड फ्री होगा, लो थर्ड फ्री आ गया। फिर से तुम जितने मर्जी लगा दो उसमें फॉस्फोरस, अल्टीमेटली नीचे वाले शुगर का तीसरे कार्बन का OH फ्री ही मिलेगा। इसीलिए मैं एक लाइन खींचता हूँ तो इस एंड को दिखाऊंगा 5-OH और इस दिखाऊंगा एंड को 3-OH। 5-OH का मतलब ये है इस चैन में जो सबसे ऊपर वाली शुगर होगी इसका पांचवे कार्बन का OH फ्री फॉर्म में, अभी तीसरा यूज हो गया। आमतौर पर पता है देखो ऐसे नहीं, शुगर तो बहुत सारे होंगे, मान लीजिए ये शुगर ये सारे शुगर है, ठीक है, और बीच में क्या आ गया, फॉस्फोरस आ गया, राइट। ऐसे मान लीजिए मैंने ऐसे बहुत सारे दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब देखो इस शुगर के पास 5-3 5-3, हर शुगर का 5 और 3 बिजी है, याद है ना। देखो हर शुगर का पांचवा कार्बन और तीसरा कार्बन का OH बिजी मिलता है,
लेकिन जो सबसे नीचे और सबसे ऊपर होते हैं इनका दोनों कार्बन का OH यूज़ नहीं सकता, किसी एक साइड का यूज़ होगा। अगर मान लीजिए इस वाले शुगर का फिफ्थ कार्बन का OH फ्री हो बिजी हो गया तो नीचे क्या फ्री आ गया? थर्ड कार्बन का OH। अगर ऊपर वाले का थर्ड का वाला यूज़ हो गया तो कौन सा फ्री आ गया? फाइव वाला। यानी सबसे ऊपर और नीचे वाले में से एक कार्बन फ्री मिलेगा जिसका OH यूज़ ही नहीं कर पाएगा कोई फॉस्फोरस। इसीलिए DNA के एक एंड को लिखते हैं 5' एक को लिखते हैं 3'। ये है 5-3' का मतलब DNA में। अब होता क्या है, ये जो तीसरा OH है, देखो अभी तक H+ रिलीज ही नहीं हुआ, H2 का फॉर्मेशन हुआ है। अब जो तीसरा OH है, जब ये H+ रिलीज करता है अपने नियर बाय जो मीडियम है उसका pH बैलेंस करने के लिए, ये H+ रिलीज कर देगा। जैसे ही H+ रिलीज करेगा इस पर चार्ज आ गया क्या? नेगेटिव। अब देखो DNA में एसिडिक बिहेवियर एज वेल एज नेगेटिव चार्ज दोनों आ गया, इसलिए DNA दोनों बिहेवियर कैरी करता है, एसिडिक भी और नेगेटिवली चार्ज भी। ये मैंने एक तरफ का दिखाया है। अब आप ही समझो, इसके जस्ट सामने वाला जो स्ट्रैंड होगा ना उसमें शुगर उल्टा रखना होता है हमें। यानी अगर मान लीजिए इस स्ट्रैंड में, इस वाले स्ट्रैंड में शुगर ऐसी है तो सामने वाले स्ट्रैंड में शुगर आपको ऐसे रखनी है, उल्टा करना होता है शुगर को, यहाँ पर भी ऐसे कर दोगे शुगर उल्टा? मैंने शुगर उल्टा, बस देखो यहाँ पे ये रहा पहला कार्बन कहाँ रहेगा? अभी भी अंदर रहेगा, बस आपको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन कहाँ जाएगा? नीचे। शुगर उल्टा करो तो पांचवा नीचे आ जाएगा ना अपने आप ही। थर्ड कार्बन का OH ये रहा, सेकेंड पे तो OH होता ही नहीं, याद होगा फर्स्ट पे H और OH होता है। सेम यहाँ भी 1, 2, 3, चौथा ये रहा और पाँचवें का CH2OH ये रहा और थर्ड कार्बन का OH वो रहा। यानी मैंने बस शुगर को उल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। और अब यहाँ पे रखते हैं फॉस्फोरस को, P डबल बॉन्ड OH 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 और OH। बताओ क्या होगा? वही 2H आएगा, पानी का लॉस होगा, बीच में बनेगा बॉन्ड एक ऑक्सीजन के द्वारा, क्या हो गया? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ऐसे यहाँ पर भी H2O और उसमें से एक पानी निकलेगा और बॉन्ड बनेगा क्या? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। बनेगा सबको सेम ही हुआ है, क्या ही फ़र्क हुआ? लेकिन इसमें क्योंकि शुगर उल्टा है ना, इसमें जो सबसे नीचे शुगर होगा उसके पांचवे कार्बन का OH आपको फ्री मिलेगा और जो सबसे ऊपर होगा उसके थर्ड कार्बन का OH फ्री मिलेगा। इसीलिए आपने ध्यान से देखा होगा DNA में एक स्ट्रैंड अगर 5-3 ऐसे लिखता तो अगले वाले स्ट्रैंड में 3-5 ऐसे लिखा जाता है। ऐसा यू इसलिए होता है, यहाँ पे शुगर जिस तरह से अरेंज है सामने वाले में इससे बिल्कुल उल्टा अरेंज है। तो अगर यहाँ पर 5 ऊपर आएगा तो यहाँ पर 5 कहाँ जाएगा? नीचे। यहाँ पर अगर 3 नीचे आएगा तो यहाँ पर 3 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो शुगर उल्टी अरेंज है दोनों में। तभी देखो यहाँ पर अगर मैं लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पर ये तीसरे कार्बन का OH फ्री है ना, तो मैं लिखूँगा 3rd का OH फ्री है, इसका है 5' का OH फ्री है, इसका मतलब ये। तो 5 हमेशा एंड पे लिखते हैं, बीच में 5 मत लगा देना। बीच में क्यों नहीं? क्योंकि बीच में सारे 3 और 5 यूज़ हो रहे होते हैं, बीच का तो पंगा ही नहीं है, आखिरी वाले के बचते हैं ना जो यूज़ नहीं हो पाते। अब ये जो है 1 कार्बन, देखो यहाँ पे जोड़ देना एडेनिन, या आपका मर्जी है तो आप कोई और भी जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो थाइमिन, दोनों के बीच का बॉन्ड डबल बॉन्ड, शुगर एक ये रहा, मान लीजिए ग्वानिन और आपने जोड़ दिया साइटोसिन के साथ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बेस और बेस के बीच का बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी पहले जो बॉन्ड का टाइप आपको याद करना है, बेस और बेस के बीच का बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर 1। बेस एंड शुगर के बीच का बॉन्ड, देखो शुगर की दुनिया के जो बॉन्ड होते हैं उनका नाम एक ही होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर की दुनिया में बनने वाले बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब लेकिन मजे की बात यह है, शुगर तो कार्बन का बना होता है तो शुगर की दुनिया में कार्बन का बॉन्ड कार्बन से ही लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एडेनिन पे नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? अब ये जो शुगर है इसके पास क्या है? कार्बन। आम तौर पे शुगर का बॉन्ड कार्बन से बनता है, यहाँ पे बॉन्ड कार्बन का नाइट्रोजन से बनेगा, क्योंकि एडेनिन पे क्या है? नाइट्रोजन है, पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे इसके कार्बन का बॉन्ड एडेनिन के नाइट्रोजन से बन जाता है।
और इसीलिए इस बॉन्ड को मतलब बेस एंड शुगर के बॉन्ड को एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि एन का मतलब यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन। ये किसका नाइट्रोजन होगा, बेस का नाइट्रोजन। याद है ना एडेनिन थायमिन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट था। तीसरा आता है कि बेस शुगर एंड फॉस्फेट के बीच के बॉन्ड का नाम क्या होता है, हाँ शुगर एंड फॉस्फेट के नाम मतलब फॉस्फो डाइएस्टर। यानी पूरे डीएनए में आपको यही तीन तरह के बॉन्ड मिलेंगे, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और एक फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। अब कुछ चीज़ें थोड़ा यहाँ पर आप याद कर लो भाई। सवाल ये है, ये शुगर जो है ये जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस के साथ, है ना। अब ये बेस या तो प्यूरिन होगा या ये पायरिमिडिन होगा, ठीक है। आपको पता है ये जो वन वाला है, जो आर्बिन शुगर का पहला कार्बन है, ये ग्वानिन के कौन से नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा, क्योंकि चार जगह पे नाइट्रोजन था, 1, 3, 7, 9। यानी ये इस ग्वानिन के 9 नंबर का जो नाइट्रोजन है उससे कनेक्ट होता है। याद है रिंग में जो था 9 नंबर का नाइट्रोजन, उससे कनेक्ट होगा। एडेनिन में पूछे आपसे कहाँ होगा, सेम यहाँ भी, कहाँ पर 9 नंबर का जो नाइट्रोजन है 9वें नंबर पे, यहाँ पर भी शुगर उससे कनेक्ट होगी। लेकिन अगर बात करते साइटोसिन और थायमिन, साइटोसिन में जो पहले नंबर का नाइट्रोजन था ये शुगर उससे कनेक्ट होगा, यहाँ भी पहले नंबर का जो नाइट्रोजन था, याद आया कुछ, ये एन था, ये एन, तो ये रहा पहले नंबर का नाइट्रोजन। यानी ये शुगर किससे होगा अटैच, यहाँ से पहले से अटैच होगा, नहीं बात ये आ रही है, एक वो आती है कोप्लेनरिटी, जिन एटम्स में बॉन्ड बनना होता है वो सेम प्लेन के होने चाहिए। इसका पहले नंबर का नाइट्रोजन जो होता है ना, वो पूरे एटम्स के सारे ऑर्बिटल को सेम प्लेन में ले आता है, किसी और से कराओगे तो बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाती। अब यहाँ पे देखो आसान याद करना, एडेनिन और ग्वानिन 9वें नाइट्रोजन से कनेक्ट करते हैं, साइटोसिन और थायमिन इससे। अगर आपको ध्यान हो तो एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन में आते हैं, है ना, और साइटोसिन एंड थायमिन पायरिमिडिन में आते हैं। दोनों में से स्ट्रक्चर किसका बड़ा होता है, स्ट्रक्चर याद बोला नाम से उल्टा करो, फिर नाम फिर स्ट्रक्चर बड़ा है, जिसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा वो सबसे बड़े नंबर का यूज़ करता है बॉन्ड बनाने के लिए, कौन सा, 9वें नंबर का नाइट्रोजन। जिसका स्ट्रक्चर छोटा है वो नंबर भी छोटा करेगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1, ऐसे याद कर लेना। तो भाई यहाँ पर ना अभी तो शुरू भी नहीं कर टॉपिक, हाँ तो भाई पहली बात ना, ये स्ट्रक्चर अभी बनाओगे दोबारा अपने सामने, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही याद होगा अपने, ठीक है, ऐसे तो याद नहीं होने वाला। और सुनो ये चीज़ जो बना रही है क्या चीज़, ये जो मैंने बनाया है, अगर मान लीजिए मैं दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करूँ, 1 और 2, इसको मैं 1, इसको मैं 2, यानी 1 और 2, तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर है ये शुगर हो जाएंगे, हाँ के ना, जो बीच की लाइन है इसमें आ जाएगा एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, और जो ये बीच का पार्ट है इसमें क्या आ जाएगा। तो अगर मैं डीएनए कहता हूँ सीढ़ी के जैसा है, तो सीढ़ी में कौन सी चीज़ क्या है पता लगी, सीढ़ी में जो ये डंडे हैं 7 के, इसमें जहाँ जहाँ डॉट है ये शुगर है ये वाले, और इनके बीच में क्या है फॉस्फरस, और जो ये सीढ़ी जिसे पैर रखते हैं इसमें क्या है, इसमें बेस आएगा ATGC, ये सारा आएगा, ठीक है। बनाओ स्ट्रक्चर्स को, इसका अभी अभी करो।